दोस्तों, हाल ही के कुछ सालों में इंसानों ने खूब तरक्की की है। नई तकनीक और विज्ञान की मदद से इंसान वह हर चीज़ बनाने में सक्षम हो गया है जिसके पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसी तरह से आज से महज कुछ दशक पहले हम कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि बुर्ज खलीफा जितनी ऊँची भी कोई इमारत हो सकती है, लेकिन इंसानों ने नई टेक्नोलॉजी की मदद से यह मुमकिन कर दिखाया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे बड़े चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इंसानों के तरक्की का ही नमूना है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है उसका नाम है स्ट्रैटो लॉन्च। दरअसल स्ट्रैटो लॉन्च दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन है जिसे कि रॉकेट लॉन्चिंग के लिए बनाया गया है, और इस विमान को अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम्स ने तैयार किया है। हालांकि इस एरोप्लेन की दिलचस्प बात यह है कि इसका वजन 2,26,000 किलो है, साथ ही इसकी लंबाई 375 फीट है जो कि एक फुटबॉल फील्ड के लंबाई से भी कई ज्यादा है। और दोस्तों, यह दिखने में भी एक आम विमान से बहुत अलग है क्योंकि यह दो अलग अलग कैबिन्स में बटा हुआ है, और इन दोनों कैबिन्स के बीच के हिस्से का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड के तौर पर किया जाता है। और यह विमान 35,000 फीट की ऊंचाई तक जाके रॉकेट को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। और इसी तरह से हमने इस वीडियो में दूसरे नंबर पर रखा है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं सबसे लंबी नहीं बल्कि सबसे बड़ी इमारत के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी को ये तो ज़रूर पता है कि दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सुन लीजिए, वह है चीन में स्थित न्यू सेंचुरी ग्लोबल कॉम्प्लेक्स, जिसकी ओपनिंग 1 जुलाई 2013 को हुई थी। और बात करें इसकी ऊंचाई की तो यह लगभग 328 फीट के आसपास है, जबकि इसकी लंबाई 1650 फीट है, और बची इसकी चौड़ाई तो वह है 1312 फीट। और दोस्तों, 1,89,00,000 स्क्वायर फीट में बसे इस इमारत में एक होटल, यूनिवर्सिटी और आर्टिफिशियल बीच भी मौजूद है। और साथ ही न्यू सेंचुरी ग्लोबल कॉम्प्लेक्स अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स पेंटागन से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों, इसी तरह से इस वीडियो में तीसरी सबसे बड़ी चीज है सैन अल्फोंसो डेल मार। दरअसल यह दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है जो कि करीब 20 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, और 1013 मीटर लंबाई वाला यह पुल चिली के अलगारवो में मौजूद है। और दोस्तों, इस पुल को दिसंबर 2006 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्षेत्र के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल के तौर पर शामिल किया गया था। और दोस्तों, इस पुल के अंदर 250 मिलियन लीटर पानी आता है, जिसकी वजह से यह पुल एक पुल कम बल्कि एक नदी ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से चौथे नंबर पर आता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक, जिसका नाम है बिलास 75710, जो कि बड़े ही आसानी से 496 टन तक के वजन को उठा सकता है। और इस ट्रक को 2013 में बेलारशियन कंपनी द बिलास ने एक रशियन माइनिंग कंपनी के ऑर्डर पर बनाया था, और इसकी लंबाई 21 मीटर है और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 9 मीटर के आसपास है। और इस ट्रक का वजन जो है वो 360 टन है, और इतने भारी भरकम होने के बावजूद ये ट्रक 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। और ऐसे ही पांचवें नंबर पर आता है दुनिया का सबसे बड़ा शिप, जिसका नाम है द प्रेल्यूड। दरअसल इस पानी वाले जहाज का साइज 1600 फीट से भी ज्यादा है, और बात की जाए अगर इसके वजन की तो वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 20 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, 610,000 टन की यह विशालकाय जहाज पानी पर तैरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, और इसका जो मुख्य काम है वह है समुद्र से नेचुरल गैस को निकालना और उसे दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना। और दोस्तों, ऐसे ही आज के इस वीडियो में छठे नंबर पर जो चीज दुनिया की सबसे बड़ी है वो है द घन नाम की एक ट्रेन। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली इस पैसेंजर ट्रेन की लंबाई 3,600 फीट है, जबकि इसमें कुल 44 डिब्बे मौजूद है, और यह एडिनेट से डार्विन तक चलने में करीब 3,000 किलोमीटर तक की दूरी को तय करती है। और दोस्तों, सातवें नंबर पर है नासा के द्वारा भेजा गया द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में मौजूद है। दरअसल यह स्टेशन किसी भी स्पेस शटल से 5 गुना ज़्यादा भारी है, और दोस्तों, इसके बड़े होने का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 240 फीट है और इसकी चौड़ाई 360 फीट के आसपास है, और यह भी एक
फुटबॉल फील्ड से कई ज़्यादा बड़ा है। हालांकि अब आपके दिमाग में यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन आखिर स्पेस में गया कैसे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस स्पेस स्टेशन को एक साथ नहीं भेजा गया था, बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों में इसे अंतरिक्ष में भेजा गया और 2011 में जाकर पूरी तरह से ये स्पेस स्टेशन तैयार हो गया। तो दोस्तों यह थी दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ों में कुछ चीज़ें। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।